सो है एवरीवन, स्वागत है सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, जैसे कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमारे पास जो प्रिंटर है एप्सोनिक टैंग L3210। दोस्तों ये जो प्रिंटर है इस प्रिंटर में रेड लाइट का ब्लिंकिंग का जो प्रॉब्लम है वो दिखा रहा है। जैसे कि दोस्तों मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, देख सकते हैं हमारा प्रिंटर ऑन है और रेड लाइट ब्लिंक कर रहा है दोस्तों। तो इसको ऑफ कर देते हैं, ऑफ करने के बाद दोस्तों फिर से हम ऑन करके आप लोगों को दिखाते हैं। तो चलिए मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने के बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हैं अभी पावर लाइट जो है वो ब्लिंकिंग हो रहा है, जो अभी आप लोगों को ऑन करके मैं दिखाता हूँ। तो इसको पावर को हमने ऑन किया और तुरंत हमारा जो रेड लाइट का सिग्नल है वो ऑन हो जाती है, मतलब रेड लाइट ब्लिंकिंग दोनों लाइट ही ब्लिंकिंग करता है और हमारा जो हेड है वो एक ही जगह पर मतलब रुकी हुई है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दोस्तों आप लोग ये जो प्रिंटर है इस प्रिंटर को रिसेट करना पड़ती है। जैसे कि दोस्तों आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं अगर इस तरह का प्रॉब्लम आती है, अगर आप लोग कंप्यूटर से प्रिंट आउट देती है तो दोस्तों ये जो मैसेज है वो आप लोगों को शो करती है। तो इसी मैसेज को हम हटाएंगे, जो अपने लैपटॉप से आप लोगों को एक रिसेटर जो है इसका उसको आप लोगों को इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो बहुत ही ईजी एंड आसान है। तो दोस्तों अभी चलिए मैं आप लोगों को हमारा जो रिसेटर है उसको ऑन करके दिखाते हैं। रहा हमारे रिसेटर और इसको आप लोग मतलब हमारा जो एडजस्टमेंट है तो इसको हम ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद तुरंत बाद दोस्तों यस नो का ऑप्शन आएगा, डबल क्लिक करने के बाद दोस्तों इसको हम यस कर देंगे। यस करने के लिए थोड़ी देर बाद दोस्तों हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन हो जाता है। दोस्तों ये जो सॉफ्टवेयर है मैं आप लोगों को बताऊंगा आप लोग कैसे इससे काम करेंगे। दोस्तों देख सकते हैं एप्सोन एडजस्टमेंट प्रोग्राम जो है वो ऑन हो चुके हैं। अभी हम क्या करेंगे, जो सिलेक्ट वाला जो ऑप्शन देख रहा है आप लोगों को, वहाँ पर आप लोगों को क्लिक करना पड़ेगा। जो सिलेक्ट ऑप्शन पर हमने क्लिक किया एंड दोस्तों मॉडल नंबर यहाँ पर शो कर रहा है, देख सकते दोस्तों इस सॉफ्टवेयर से आप लोग कुछ भी प्रिंटर कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों 3210 से लेकर शुरू करके 3260 तक आप लोग इससे रिसेट कर सकते हैं। तो हमारा पास मतलब 3210 प्रिंटर है, तो इसको हम अभी क्या करेंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे। तो पोर्ट सिलेक्ट करके ओके पर क्लिक किया तो उसके बाद दोस्तों ये वाला ऑप्शन पर आप लोग एक बार क्लिक कर देना। तो हमने अभी क्लिक किया, क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोग सिंपली नीचे चला जाना है एंड दोस्तों वेस्ट इंक पैड जो है इसको सिलेक्ट करके फिर से आप लोगों को ओके पर क्लिक करना पड़ेगा। तो हम फिर से ओके पर एक बार क्लिक कर देते हैं। ओके पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को तीनों ऑप्शन दिखाई देगा, आप लोगों को तीनों ऑप्शन में टिक मार्क लगाना है। मतलब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमने टिक मार्क कर दी, नीचे वाला भी टिक मार्क करना पड़ेगा एंड दोस्तों उससे नीचे वाला भी आप लोगों को टिक मार्क करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों सिंपली आप लोग क्या करेंगे, इंस्टॉलेशन में एक बार क्लिक करेंगे और यहाँ पर येस नो ओके पर आप लोग सिंपली ओके करेंगे एंड दोस्तों हमारा जो प्रिंटर है उसको ऑफ करने के लिए बता रहा है ये जो सॉफ्टवेयर है। तो इसको फिर से ओके करेंगे और उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसको भी ओके के प्रिंटर को सिंपली ऑफ कर देंगे। तो प्रिंटर को ऑफ करने के बाद दोस्तों अभी फिर से हम प्रिंटर को ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं हमारा जो रेड लाइट ब्लिंकिंग का जो प्रॉब्लम था वो बिल्कुल सॉल्व हो चुकी है एंड दोस्तों हमारा जो हेड है वो अभी मूवमेंट कर रहा है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एंड दोस्तों आप लोगों को जेरोस करके भी दिखाऊंगा। दोस्तों अगर आप लोगों को इस तरह का प्रॉब्लम होती है तो दोस्तों मैं अपना व्हाट्सअप नंबर में आप लोगों को डिस्प्ले में शो कर रहा हूँ। दोस्तों ये जो व्हाट्सअप नंबर है आप लोग इस व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। दोस्तों मैं आप लोगों का जो प्रॉब्लम है वो एनी डिश की सॉफ्टवेयर की मदद से मैं आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ। दोस्तों अगर आप लोगों का इस तरह का प्रॉब्लम मतलब एप्सोन का नया प्रिंटर नया मॉडल में हो रहा है, जैसे कि दोस्तों एप्सोन L3210 L3215 L3216 या दोस्तों L3250 L3256 दोस्तों कोई भी नया मॉडल में अगर आप लोगों का इसी तरह का रिसेटर का प्रॉब्लम आती है तो दोस्तों इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। मैं आप लोगों का जो प्रॉब्लम है वो एनईडी सॉफ्टवेयर के मदद से मैं इसी जगह से आप लोगों का जो प्रिंटर का प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने वाला हूँ, मतलब सॉल्व कर दूंगा। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी जो है हमारा प्रिंटर में एक जेरोक्स किया और जेरोक्स हो रहा है। दोस्तों देख सकते हैं हमारा प्रिंटर जो है अभी रेडी हो चुकी है। तो थैंक यू फॉर फुल वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताना वीडियो को कैसा लगा। दोस्तों मेरे चैनल पर जो भी नया चैनल भी सब्सक्राइब कर देना इसी तरह का टेक्नोलॉजी वीडियो देखने के लिए। दोस्तों अगर आप लोगों का प्रॉब्लम हो रहा है तो दोस्तों व्हाट्सएप में जरूर कांटेक्ट कीजिए, मैं आप लोगों का जो प्रॉब्लम है वो 100% सॉल्व करने वाला हूँ। थैंक यू फॉर फुल वॉचिंग।